बुधवार की व्रत कथा सभी क्लेशों को समाप्त करने वाली है, साथ ही इससे ग्रह दोष निवारण भी स्वतः ही हो जाता है। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह ये देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी, ये सब लीला बुद्ध भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस बुधवार की व्रत कथा को श्रवण करता तथा सुनाता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है, उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही बुधवार व्रत कथा पापों का नाश भी कर देती है। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी पथ के माध्यम से हमने आप सभी के लिए बुधवार की कहानी प्रस्तुत की है। ये कथा बुधवार का व्रत करने अथवा न करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। भगवान बुध को ही खगोल विज्ञान में हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध देव के चार हाथ हैं, जिसमें से एक एक में वो तलवार, थाल, गदा और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। भगवान बुध के सिर पर स्वर्ण मुकुट है और वे पीले फूलों और पीले वस्त्रों के आभूषण धारण करते हैं। अथर्ववेद के अनुसार बुध का जन्म चंद्र, चंद्रमा और तारा से हुआ था। वह सभी में सबसे बुद्धिमान ग्रह है और वह अपने पूजा करने वालों की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जहां तक संभव हो वे किसी अशुभ घटना के कारक नहीं होते बल्कि सभी के लिए समृद्धि का सृजन करते हैं। सभी जीवों को सर्वोच्च विवेक प्रदान करके वे जीवन के माध्यम से सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पथों को प्रकाशित करते हैं। चूंकि बालक बुध या बुध बहुत बुद्धिमान था इसलिए भगवान ब्रह्मा ने उसे बुध नाम दिया। महाभारत की एक कथा के अनुसार राजा मनु ने अपनी पुत्री इला का विवाह बुध देव से करवाया था। वैदिक ज्योतिष में बुध के जन्म के बारे में अक्सर एक कहानी सुनाई जाती है। बृहस्पति ऋषि और ग्रह का विवाह एक सुंदर और बुद्धिमान महिला तारा से हुआ था। एक दिन चंद्रमा चंद्र ने तारा की एक झलक देखी और उसे उनसे प्रेम हो गया। कुछ प्रयास के बाद चंद्र ने तारा को अपने साथ भागने के लिए मना लिया। अब जब बृहस्पति को पता चला कि चंद्रमा ने उनकी सुंदर पत्नी को भगा लिया है तो वे क्रोधित हो गए और मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा हस्तक्षेप करने के लिए सहमत हुए और तारा से संपर्क कर उसे अपने पति के पास लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। तारा चंद्र और उसके पति बृहस्पति के बीच युद्ध शुरू नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मान गई और एक कर्तव्यप्रायण पत्नी की तरह घर लौट आई, लेकिन अपने चरित्र पर एक दाग के साथ। जैसे जैसे महीने बीतते गए तारा को एहसास हुआ कि वह चंद्रमा के बच्चे के साथ गर्भवती थी और जल्द ही उसने एक बेटे बुध को जन्म दिया। बृहस्पति एक बार फिर उग्र हो गए, लेकिन जब उन्होंने नन्हे बुध की सुंदरता और चंचलता को देखा तो उन्हें उस बालक से प्यार हो गया। इस प्रकार बुद्धि और भेदभाव का ग्रह बुध चंद्रमा और तारा का पुत्र है। ये बुध की भूमिका को भावनात्मक दिमाग और उच्च दिमाग के बीच जाने की व्याख्या करता है। वह विवेकशील, व्यवहारिक, सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि बुध ज्योतिष में चंद्रमा के साथ मित्रवत क्यों नहीं है, वह अभी भी अपने पिता द्वारा उसे दूर रखने से परेशान है। इस कारण से जब बुध की युति जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ होती है तो ये बुध और विवेकशील मन को परेशान करने वाला कहा जाता है। चंद्रमा से संबंधित होने की वजह से बुध का एक नाम सौम्या भी है। बुध का हरा रंग पवित्र दूर्वा के हरे रंग का प्रतीक है। वे एक शानदार ऊर्जावान शरीर के स्वामी है। ये महान ऋषि बुध, जिनकी गणित और व्यवसाय के लिए स्पष्ट योग्यता है, त्वचा, तर्कसंगत दिमाग और भाषण पर शासन करते हैं।
उसकी धातु पीतल और रत्न पन्ना है। वह वात पित्त और कफ का कारक ग्रह है और सभी स्वादों का शौकीन है। ये दिशाओं में उत्तर, दिनों में बुधवार और राशियों में मिथुन और कन्या के स्वामी होते हैं। उन्हें स्वर्ण आंखों, मोहक, सौम्य, ज्ञाता और जागृत के रूप में जाना जाता है। बुध बुद्धि और संचार का ग्रह है। इसे सुबह और शाम को सूर्य के पीछे एक चमकते सितारे के रूप में देखा जा सकता है। कभी कभी दिन के समय में भी इसकी विकिरण शक्ति के कारण इसे देखा जा सकता है। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये शिक्षा, लेखकों, व्याख्याताओं, कलाकारों, शिक्षकों, व्यापारियों, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ों और आंतों पर शासन करते हैं। ये बुद्धि वाक, आत्मविश्वास, हास्य, बुद्धि, ज्योतिष, गणित और छोटी यात्राओं को नियंत्रित करता है। बुध को अच्छी शिक्षा, व्यवसाय, तेज बुद्धि और मनभावन उपस्थिति का आशीर्वाद देने के लिए और गर्मी से प्रेरित बीमारियों, सामान्य दुर्बलता और अवसाद को दूर रखने के लिए भी माना जाता है। ये ग्रह जीवन में पारिवारिक मामलों पर भी नजर रखता है। यह अनुकूल होने पर मन की शांति, कमाई, बुद्धि, शिक्षा और व्यवसाय से संबंधित है। बुध के दो मुख हैं, यह एक दोहरी प्रकृति प्रदान करता है। इनको विद्वानों की संगति प्रिय है। वैदिक अंक ज्योतिष में बुध का अंक 5 होता है। ये सफलता, विरासत, व्यापार, संचार और चतुराई का अंक है। हमें उम्मीद है कि आपको बुधवार वृत्त कथा अच्छी लगी होगी। कृपया टिप्पणी करके हमें अपनी राय से अवगत कराएं।